रोडीज का रिकॉर्ड बीट करने की उम्मीद में आईपीएल फिर से 11वें सीजन के साथ वापस आ चुका है। और क्यों ना, इतना फेमस है, हर साल सब देखते हैं। अब आईपीएल की कुछ आइकॉनिक चीजें होती है जैसे फिक्स, नहीं सॉरी चीयर लीडर्स। अब इनकी तरह कुछ लोग मैच छोड़ के सिर्फ इन्हें देखने जाते हैं। ये देखो फोन पे लगे हुए हैं, मतलब मैच वैच होता रहेगा, हम पहले वीडियो फोटो तो ले लें। हद है यार, हर साल आईपीएल का स्केल बढ़ जाता है और उसके साथ बढ़ जाती है एक ऐसी चीज जो सारा मजा खराब करने पे तुली हुई है, और वो चीज है एड्स। और जिस हिसाब से चीजें चल रही है ना, उस हिसाब से कुछ सालों बाद यार कितना क्रिकेट दिखाने लग गया बीच बीच में, म्यूट कर। बार बार क्रिकेट क्रिकेट, पूरा एड का मजा ही खराब कर दिया। मुझे पता है आईपीएल एड से चलता है, बट यार इतना हर ओवर के बाद ओपो वीवो टाइटल स्पॉन्सर जो है। और आजकल इसमें भी इनोवेशन आपने सुना ही होगा, कभी प्रेजेंटेड बाय, कभी ड्रिवन बाय, कभी ब्रॉड टू यू बाय। ऐसे ही चलता रहा तो 10 साल में टूर्नामेंट और स्पॉन्सर का काम ही उल्टा हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू ओपो वीवो प्रेजेंटेड बाय आईपीएल, पावर्ड बाय बाबूजी बिजली, ड्रिवन बाय बैलगाड़ी, वॉक्ड बाय पैरागॉन, मच लेटर, प्रिंटेड बाय वही कोई चाइनीज स्मार्टफोन एंड चार्ज बाय चार्जर। तो ये है हमारे आज के एक्सपर्ट। हाय, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेस मैच? आई थिंक ये मैच, अरे मैच का टाइम हो गया, कट इट। अरे मैच का टाइम हो गया। एड्स दिखाने के लिए ये लोग नए नए बहाने ढूंढते हैं, और अभी वो बहाना चल रहा है ना स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। किसी यूजलेस से चीज को भी इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए उसके सामने बड़ा सा अंग्रेजी वर्ड लगा दो, स्ट्रेटेजिक। वाह, जब लंबे इंटरनेशनल मैचेस में टाइम आउट की जरूरत नहीं पड़ती तो आईपीएल में क्यों? आप लोगों को बहुत स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती होगी ना T20 मैचेस में। नहीं तो हमें मैच के पहले काफी टाइम मिलता है। नहीं, आप लोगों को तो एक T20 मैच में चार बार तो कम से कम स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना। अरे प्लेयर्स ओडीआई टेस्ट खेल लेते हैं, इतनी से मैच के लिए क्या स्ट्रेटेजी? अब बताइए। अच्छा सॉरी, हम पहले भूल गए थे, उसे टाइम आउट नहीं बल्कि CTAT स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कहते हैं, क्योंकि स्पॉन्सरशिप कैसे छोड़ दे। चलो ये फिर भी ठीक है, बट ये सब क्या है? बंदे ने कोई अच्छा शॉट मारा तो वो है फैशन बिग बाजार स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द डे, बंदे ने अच्छा कैच लिया तो वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच। अब उसके बाद उनको एक और स्पॉन्सर लाना था बट उन्हें कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने रख दिया स्टार प्लस नई सोच अवार्ड। नई सोच मतलब अब सोच भी स्पॉन्सर्ड है, वाह। और ये सब सिर्फ एंड में चेक पे नहीं बल्कि कमेंट्री के दौरान भी स्पॉन्सर के नाम हजार बार लेते हैं। What a stance! ये था चंदन स्टूडियो पोज ऑफ द डे। अब सोजा सीमेंट से भी मजबूत डिफेंस करते हुए, और ये बोल्ड हिम, इन्हें मिलता है टट्टी सोच का अवार्ड। आगे बढ़ के उपमा शॉट, जो दे दौड़ने की शक्ति, और ये मलाई मस्ती का घटिया स्कूप, तो ये इसी हाथ से धोते हैं। और ये किंगफिशर एयरलाइंस की तरह गेंद नीचे आते हुए, और ये ड्रॉप, किंगफिशर एयरलाइंस को कोई ना बचा सका। ये था खुजली ऑफ द डे, जिसके लिए इन्हें मिलता है 10 करोड़ का चेक। अब इनकी जर्सीज के बारे में क्या कहे, बेचारे अंपायर को भी नहीं छोड़ा। पहले के अंपायर ऐसे होते थे, और आजकल देखो रंग बिरंगा पोस्टर बना दिया है, और प्लेयर्स तो ऐसे जैसे कोई लैंप पोस्ट पे सस्ते एडवर्टाइजमेंट चिपका गया है, मतलब जहां जगह मिली वहां एक चिपका दिया। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे यार ये। हैरान नहीं होंगे अगर कुछ सालों बाद प्लेयर्स फील्ड पे ही एड्स परफॉर्म करने लगे, उनकी ट्रेनिंग तो चल ही रही है, बस थोड़ी मेहनत हो। और अभी है कान खुजाओ हेडफोन्स टाइम आउट। खाइए पादू नमकीन और निकालिए पेट की सारी हवा, ज्वाइन करिए किडनी बेचो क्लासेस, हर IITian का सपना। हो गया टाइम आउट।
यार तू अपना नमकीन संभाल ले पहले। कुछ सालों बाद आई एम श्योर ऐसी चीजें हमें आईपीएल में देखने भी मिलेगी और हमें अजीब भी नहीं लगे। और क्या पता ये लोग क्रिकेट भी फुटबॉल से खेलने लगे ताकि थोड़ी ज्यादा जगह मिल जाए ना लोगों को लगाने के लिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर भी करो एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। आईपीएल में एड्स डालो, एड्स में आईपीएल नहीं।